ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है लेक्चर नंबर 3 ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे चेक करने के लिए कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो जिसमें से R1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। देखते हैं कि R2 अपने पास रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट अपने पास सेट ए में दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट अपने पास सेट ए में हैं, वो सबसे पहले खुद, मतलब वो खुद पे मैप करने चाहिए। इन शॉर्ट, अगर मैं लिखता हूँ कि ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है कि ए मैप कर रहा है बी के ऊपर। तो अगर मैं देखता हूँ R2 में 1 1 है, मतलब 1 खुद पे मैप कर रहा है, 2 2 भी है, 2 खुद पे मैप कर रहा है, 3 3 भी है, 3 खुद पे मैप कर रहा है, 4 4 भी है एंड 5 5 भी है, और अपने पास सेट में 5 एलिमेंट्स ही भी हैं। इसका मतलब क्या है कि जो R2 हो गया अपने पास, वो क्या बोलोगे आप यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव। बट एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले वो रिलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या R2 अपने पास ए का रिलेशन सेट है? सबसे पहले आपको ये भी तो चेक करना है। याद करो कि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो अपने पास सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए का। क्लियर है? अब ए क्रॉस ए में अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो क्या 5,6 एलिमेंट, क्या ये वाला जो एलिमेंट है, क्या ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि जो अपने पास यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है वो सबसेट ही नहीं है ए क्रॉस ए का। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, जो भी रिलेशन होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का। ठीक है, जो जिस सेट पर अपन लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास R2 रिलेशन ही नहीं है। R1 अपने पास आपने चेक किया रिफ्लेक्सिव है 1 1, और ये हो गया आपका 5 5, 4 4, 3 3, 2 2 नहीं है, राइट राइट यहाँ पर। तो अपने पास R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करना है तो 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो R1 अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो R1 अपने पास इररिफ्लेक्सिव हो गया एज वेल एज असिमेट्रिक हो गया। R3 के लिए देखो, यहाँ पे कहीं भी 1 1 नहीं दिख रहा है आपको, तो मतलब ये अपने पास रिफ्लेक्सिव तो वाला है नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 3 है, 3 1 है, चलो अच्छी बात है, 2 3 है, 3 2 है, बहुत अच्छी बात है, 3 4 है, 4 3 है, ये भी अच्छी बात है, 4 5 है, 5 4 है, ये भी अच्छी बात है, एंड 2 2 है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो R3 है वो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे इस केस में? R3 इज सिमेट्रिक। तो अगर मैं टोटल समरी निकालता हूँ यहाँ से, तो R1 अपने पास इररिफ्लेक्सिव है एज वेल एज असिमेट्रिक है। R2 अपने पास रिलेशन ही नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5,6 एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस ए सेट से नहीं आ रहा है। R3 अपने पास यहाँ पर एक सिमेट्रिक रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के लिए लिखवाया था रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के लिए शॉर्ट ट्रिक, सेम तरीके से सिमेट्रिक के लिए भी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर समेशन एन, जहां पर आपको ये पता है कि जो ये एन है वो अपने पास क्या है यहाँ पर? कार्डिनलिटी ऑफ द सेट।
सेम तरीके से अगर आपको यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, तो अपने पास क्या होगा, 3 to the power समेशन ऑफ एन माइनस वन। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए कि अपने पास सेट की कार्डिनलिटी दे रखी है 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी 3। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल, मतलब इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 to the power समेशन 3। अभी समेशन 3 कैसे निकालेंगे, समेशन n का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर, इसका मतलब क्या है, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 4/2, 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या है, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। मतलब वहाँ पे 64 सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है। सेकेंड, अगर हमें यहाँ पे असिमेट्रिक निकालना है, सो दिस वन इज फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन एंड दिस वन इज फॉर द असिमेट्रिक रिलेशन, 2 to the power समेशन एन माइनस वन, मतलब समेशन 2। इसका मतलब क्या, 2 to the power 2 multiply 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो ये हो गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। चलिए, अपने पास एक और टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है अपने पास, जो कि होता है ट्रांजिटिव। बट ट्रांजिटिव से पहले अपन लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी एक बार कवर कर लेते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, लेट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पे आर क्या अपने पास रिलेशन है, ठीक है, क्लियर। रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट ए पर, जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का। इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो, सुनो ध्यान से, जो वर्ड में लिख रहा हूं ना उस वर्ड को पकड़ो आप। मैंने क्या बोला कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट, ये दोनों ही एलिमेंट अपने पास सबसे पहले आर में बिलोंग करने चाहिए। और अगर हम ये इम्प्लाई कर दें कि जो ए और बी में जो रिलेशन है वो दोनों इक्वल है, मतलब ए और बी दोनों क्या है अपने पास इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इज इट क्लियर? और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात हो गई ना, बताइए, एकदम सिंपल सी बात हो गई। इसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3, ये मेरे पास सेट है और मैंने सेट डिफाइन किया 1 2 2 1 1 1। अब आप बोलोगे, सबसे पहले लोग पहले क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर, यहाँ पे 2 की सेल्फ इमेज नहीं मिल रही है हमें। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो, सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 भी है, और 1 1 का उल्टा खुद 1 1 ही होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन अपने पास हो गया। दिस आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो, 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर में, क्या 1 2 के इक्वल है, क्वेश्चन आया। नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर?
सिंपल है ना बात अभी। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जहां पे एंटी सिमेट्रिक हो, लेट्स से आर वन एंड दिस वन इज आर टू। मैंने लिया 1,1 एंड 3,3। अब देखो 1,1 बिलोंग्स टू आर, एंड अगर उसका रिवर्स भी करते हैं तब भी वो बिलोंग कर रहा है आर में, और दोनों एलिमेंट अपने पास क्या है, इक्वल है। अब देखो ध्यान से, ये जो है वो अपने पास सिमेट्रिक भी है एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे ये 2,2 एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता। ठीक है, एक एक कुछ एग्जांपल और करते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से एंटी सिमेट्रिक को, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट रिलेशन शुरू करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए अपने पास सेट ऑफ इंटीजर गिवेन है, जिसमें से मैं जीरो एलिमेंट बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अपने पास गिवेन है, इंटीजर रियल नंबर्स, जिसमें से मैंने जीरो रियल नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया है सेट में, और मैंने यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया है वो रिलेशन मैंने कुछ डिफाइन ऐसे किया है कि ए बी से रिलेट तभी करेगा जब ए इज डिवाइडेड बाय बी, व्हेन ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ वन ए डिवाइड्स बी। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हमें चेक करना है क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। ओके, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर देखो, हमेशा कभी भी आपको रिलेशन चेक करना है ना, तो हमेशा सोचो ऐसे कि आपको वो रिलेशन डिस्कार्ड करना है, मतलब वो रिलेशन आपको दिखाना नहीं है, ऐसे सोचो। कभी भी ये मत सोचना कि आप हमेशा क्वेश्चन को कर रहे हो उसको सही करने के लिए, सोचो कि उसमें आप काउंटर ढूंढ सको। जैसे अगर मैं अब सिंपल सोच रखता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सर देखिए, 2 डिवाइड करता है 2 से एंड 2 डिवाइड करता है 2 से, तो मैं बोल दूंगा 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे सर मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने पास हर एक इंटीजर नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कुछ और सोचो हल्की जरा। मैंने क्या बोला कि ए इज डिवाइडेड बाय ए माइनस वन, ए डिवाइड्स माइनस ए, यस और नो, वेयर ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर नंबर एंड माइनस ए डिवाइड्स ए। ये भी बात सही है। क्या ए और माइनस ए, क्या ये दो रियल नंबर इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि अपने पास ये नॉन जीरो इंटीजर्स नंबर है। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या कि जो अपने पास ये जो रिलेशन गिवन है यहाँ पर, वो अपने पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं क्या सर ये अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए ए से रिलेट हमेशा करेगा, क्योंकि ए खुद को तो डिवाइड करेगा करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स नंबर हैं वो खुद को तो डिवाइड करेंगे ही ना, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जरा बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगेन कुछ सोचो जरा ऐसे, मैंने 2 डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं मेरे को, ए और बी। ए दिखाना है मेरे को क्या है कि ए अगर बी से रिलेट करता है तो उस केस में बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो क्या ये हर एक केस के लिए ट्रू है? अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूँ, 2 रिलेट टू 4, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड करता है 4 को, यस और नो? क्या
क्या 4 डिवाइड करता है 2 को? आंसर क्या है इसका? नो। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। हो गया ना सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। समझ रहे हो ना चीजों को? एकदम सिंपल तरीके से सोच के चलो, सब कुछ ईजी है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप ट्राई करना एज एन होमवर्क के लिए। तो एग्जाम्पल है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स रियल नंबर लिए थे नॉन जीरो, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ए बी से रिलेट तभी करेगा जब ए डिवाइड करेगा बी को। और बताना है आपको यहाँ पर तीन केस बताने हैं आपको, क्या ये रिफ्लेक्सिव है पहला केस, क्या ये सिमेट्रिक है दूसरा केस, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है तीसरा केस। अपने अपने आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलो, एक चीज रह गई अपने पास कि अगर आपसे नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पूछता है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अगेन, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power summation of n minus 1, वेयर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। क्लियर? तो ऐसे आप लोग ये यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने पॉसिबल हैं वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, कि व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो थोड़ा सा जरा समराइज करते हैं चीज़ों को कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली बात, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उन सभी की मेरे पास सेल्फ इमेज मिलनी चाहिए आर में। सेकेंड थिंग, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। दिस इज फॉर दी सिमेट्रिक, दिस इज फॉर दी रिफ्लेक्सिव। और एंटी सिमेट्रिक ने क्या बोला हमसे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो उस केस में ए और बी दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दिस इज फॉर एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो होपफुली यहाँ तक चीज़ें सब कुछ ईजी रही होंगी। सो वॉट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन लेट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, देन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ। देखो, जो इफ वाली कंडीशन है ना, मैं हमेशा यहां पे क्यों रुकता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड अब देखो सेकेंड एलिमेंट की बात किसकी हो रही है,
जो इसका जो इस एक ही इमेज है, हम उसी इमेज से स्टार्ट कर रहे हैं। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट, अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो उस केस में ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे करते क्या है कि वो डेफिनेशन को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वो करते क्या है कि उनको ए कॉमा बी दिखा रिलेशन में, बट बी कॉमा सी नहीं दिखा, तो वो बोल देंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? नहीं, ये नहीं करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए सबसे पहली बात, आप वहां पर ये दो एलिमेंट की हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एलिमेंट की। अगर ये दो एलिमेंट होंगे तभी हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पे कमेंट करेंगे कि वो वहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? होपफुली सब क्लियर हो गया हो। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है कि मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का और मैंने क्या बोला कि ए बी से रिलेट तब ही करेगा जब इन दो रियल नंबर का सम जो होगा वो अपने पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्लियर? समझते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन, या फिर पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप दो एलिमेंट ए को ए के साथ आप रिलेट करते हो तो ए प्लस ए जो भी होगा वो आपके पास एक इवन नंबर ही देगा, किसी भी ए के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो रिलेशन है वो अपने पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखो सिमेट्रिक ने क्या बोला हमसे कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, इसका मतलब क्या है कि भैया ए प्लस बी अपने पास इवन है, तभी तो रिलेट करेगा ना। तो उस केस में बी भी रिलेट करेगा ए से, यस और नो? क्योंकि भाई बी प्लस ए भी तो अपने पास इवन एक नंबर होगा, नहीं होगा? अब चाहे आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ऑब्वियस सी बात है ना, उस केस में अपने पास वहाँ पे वो भी तो वे नंबर होने वाला है ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इस केस में ये अपने पास क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। ट्रांजिटिव रिलेशन ने क्या बोला देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इज इवन, बी प्लस सी इज इवन। और अगर मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि मेरे पास इस केस में ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बोलो अपना काम तो फिनिश ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या, हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि ए प्लस सी अपने पास एक इवन नंबर आ गया। कैसे दिखाएंगे? ओके, अगर ए प्लस बी, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो हम ए को ऑड नंबर पिक कर लें, तो उस केस में भाई मुझे बी को भी ऑड नंबर पिक करना पड़ेगा, यस और नो? तभी वो इवेन होगा जाके।
अगर मैंने एक ऑड लिया, एक मैंने इवन नंबर लिया, तो उस केस में तो बात बनने वाली है नहीं। और सेम बात इसके लिए भी, तो सी को भाई मेरे को ऑड नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं किसी एक को ऑड नंबर ले रहा हूँ, तो मुझे उस केस में बी और सी को भी ऑड नंबर लेना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे आर से। अगर हम बात करें इवन नंबर की, अगर मैंने ए को इवन नंबर ले लिया, तो भाई मुझे बी को भी इवन नंबर लेना पड़ेगा एंड सी को भी इवन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी इज इवन नंबर। अब जरा सोच के देखो, अगर ए मेरे पास, अगर मैं ये वाला केस लूँ या फिर मैं ये वाला केस लूँ, कोई सा भी केस ले लेता, चलो मान के चलते हैं मैंने ऑड वाला केस लिया, अगर मेरे तीनों के तीनों ऑड नंबर हैं, तो ऑड प्लस ऑड अपने पास क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा, नहीं आएगा? हो गई ना बात एकदम मजेदार वाली, यस और नो? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है? चलो क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपके लिए एज एन होमवर्क रखते हैं। आपको बताना है, ये मैंने केस डिस्कस किया है इवन नंबर के लिए, आपको सेम यही क्वेश्चन करना है फॉर दी ऑड नंबर, ठीक है? और बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का आंसर क्या क्या आया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? ओके। और इस क्वेश्चन में अब आपके लिए किधर गया? हाँ, इस क्वेश्चन में अब आपके लिए एक काम और बढ़ गया, अब आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर भी पता करना है। तो जितने क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं रिलेशन में, अब आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पर कमेंट करना है, ठीक है? तो ये बात हो गई अपनी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो होपफुली आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी इक्विवेलेंस रिलेशन। वंस यू हैव द लाइक वंस यू हैव नॉलेज अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देन इट इज ईजी फॉर यू लाइक हाउ टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, हाउ टू चेक, लेट्स सी। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विवेलेंस। रिलेशन, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वही सेम पहले बेसिक डेफिनेशन, लेट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन आर इज सेड टू बी, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट होल्ड्स दी फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन। सेकंड, कि जो रिलेशन है अपने पास वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, एंड थर्ड, सिमेट्रिक आपके पास जो भी हो, सॉरी, जो भी आपके पास रिलेशन हो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी सिंपली से द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? तो अब आई थिंक आपके लिए एकदम ईजी हो गया है कैसे चेक करना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है? अगर आपको रिलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, ठीक है, हालांकि इसका आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हमेशा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, लाइक BHU, ये जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आपको एग्ज़ाम मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बेस पर, बट नॉर्मली आपको IIT जैम में नहीं दिखेगा, सो डोंट वरी। बट हम लोग डेफिनेशन का ज़रूर यूज़ करेंगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, तो डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्लास 12th की NCERT बुक को फॉलो कर सकते हो,
ठीक है, RD शर्मा सर की जो IIT JEE वाली जो बुक होती है ना, मोटी वाली, सबने देखी होगी कितनी मोटी की वाली जो बुक आती है IIT JEE वाली, आप उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सही से रिलेशन के ऊपर, तो आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे दिक्कत होती है, कहीं पे भी दिक्कत होती है, डेफिनेटली आप हम लोगों से पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पे फ़ायदा क्या है कि वहाँ पर हम लोग के पास दो टाइप के ग्रुप हैं, एक है डिस्कशन ग्रुप और एक है इन्फॉर्मेशन ग्रुप। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आपको कोई भी लेक्चर से हमने अपलोड किया है तो वहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगा, एंड डिस्कशन ग्रुप में आप ऑल ओवर इंडिया से, आपके पास वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठ के आप बातचीत कर सकते हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है टेलीग्राम ग्रुप का। ओके तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी सेट का हम लोग पार्टीशन कैसे करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ सेट से आप ये मान के चलो कि आपका ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम शुरू करने वाले हैं, पार्टीशन ऑफ सेट से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड सेम वही बात दोबारा कहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आपको अभी आइडिया मिल चुका है कि यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर कराने जा हम लोग कराने वाले हैं IIT जैम का। ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैम ने 50% से ज़्यादा इंटीग्रल कैलकुलस फिनिश करवा चुकी हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो होने वाला है ग्रुप थ्योरी के बाद, वो होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैम स्टार्ट करेंगी लीनियर अलजेब्रा। तो हम लोग का टारगेट है कि आने वाले 6 महीने में हम लोग कंप्लीट IIT जैम का सिलेबस यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा हम लोगों को, अगर आप लोगों से रिस्पांस अच्छा मिलेगा, देन डेफिनेटली हम लोग अपने जो लेक्चर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, बट तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए हमें, एंड बढ़ते हैं फिर आगे। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।